सफलता के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। और मोटिवेशन की प्रोसेस अगर आप समझें तो पहले मोटिवेशन आता है क्योंकि हम इंस्पायर होते हैं कहीं से, और वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। और बाद में दोस्तों जब आप में वो पैशन डेवलप होता है तो वो मोटिवेशन जो एक्सटर्नल था वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन में परिवर्तित हो जाता है और आपको किसी बाहर के सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है मोटिवेटेड रहने के लिए। तो दोस्तों एक सफलता की जर्नी, अ यंग बॉय फ्रॉम पंचकुला इन हरियाणा, अंशुमन मनचंदा, जो सिर्फ 21 साल के हैं और उन्होंने इस चैनल की जो फ्री ट्यूटोरियल वीडियोस हैं जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में, उन्हें देखकर जो नॉलेज हासिल किया है, जो दक्षता हासिल की है, और ये मुझे कैसे पता लगा कि लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान वो बहुत एक्यूरेट टेक्निकल एनालिसिस करके प्रेजेंट करते थे और कॉन्फ्लुएंस को, वेट ऑफ एविडेंस को तलाशते थे जो मुख्यतः हमेशा करेक्ट होती थी दोस्तों। तो मैंने उनके साथ चर्चा की और इस शॉर्ट चर्चा में मुझे ऐसा लगा कि आपके समक्ष इसे प्रेजेंट करना चाहिए, जो यंग जनरेशन, यंग इंडिया को इंस्पायर कर सकता है। और इसीलिए दोस्तों चलिए समय व्यर्थ नहीं करते हुए स्ट्रेट वे ये चर्चा मैंने जो अंशुमन के साथ की वो आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। सो अंशुमन आपका स्वागत है, और पहले आप दर्शकों को बताएं कि आप अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दें। माय नेम इज अंशुमन, आई एम 21 इयर्स ओल्ड, आई एम फ्रॉम पंचकुला हरियाणा, एंड आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय बीबीए दिस ईयर, एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम माय मदर हु started her journey to want to be a good trader in the future. Okay, that's fine. Nice live streaming session जो channel में होते हैं, उसमें participate करते देखा है. Yes, sir. Now, during the participation, मैं आपसे काफी impressed भी हुआ क्योंकि इस कम एज में आप जो technical analysis और price action analysis से related कॉन्फ्लुएंसेस का पता लगाते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में, खास करके रिसेंटली एक लाइव स्ट्रीमिंग में आपने बहुत बढ़िया एनालिसिस करके मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस के बारे में पूछा था और वो 100% करेक्ट भी था। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने इस चैनल को डिस्कवर कहां से किया? सर, 2020 में जब स्टॉक मार्केट में क्रैश आया था कोविड-19 की वजह से, तब बहुत लोगों की तरह मेरी मदर ने भी अपॉर्चुनिटी देखी एक स्टॉक मार्केट में, और उन्होंने तब रैंडम वीडियोस देखनी शुरू की, तो देखते देखते आपका चैनल रिकमेंड हुआ उन्हें, और उन्होंने एक वीडियो देखी आपकी और रियलाइज किया इस चीज को कि लर्निंग इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी प्रोफेशन। उन्होंने आपकी जीरो टू हीरो की वीडियोस देनी शुरू करी, और उसके बाद मैंने भी देखा जब मैं उनसे इंस्पायर हुआ कि One can make a good income from his comfort zone by having a skill technical analysis for stock market. Okay. वहीं से मैं आपसे जुड़ा। Okay. तो जैसा आप जानते हैं और कि जीरो टू हीरो जो प्लेलिस्ट है चैनल के ऊपर में, वो बेसिकली ट्यूटोरियल वीडियोस है कि जो भी स्टॉक मार्केट के बिगनर्स हैं या टेक्निकल एनालिसिस के बिगनर्स हैं वो सीखना चाहते हैं। तो बेसिकली देखिए, ब्रॉडर कैटेगरी तीन तरह के लोगों की होती है। एक जो सीखना तो चाहते हैं लेकिन जिस शहर में रहते हैं वहां ट्रेनिंग की फैसिलिटी नहीं है। दूसरे उस कैटेगरी के लोग हैं कि वो बड़े शहर में तो रहते हैं जैसे मुंबई, पुणे, दिल्ली और चेन्नई में और बैंगलोर में, बट वो ट्रेनिंग फैसिलिटी कॉस्टली होने के कारण वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और तीसरी कैटेगरी वो है कि जो अफोर्ड भी कर पाते हैं, बड़े शहर में भी रहते हैं, बट उनके पास वक्त नहीं है कि वो ट्रेनिंग के लिए जा सके। तो वो जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट से आप अगर सीख रहे हैं तो क्या आप दर्शकों को बताएंगे कि आपने उसमें
करीब 100 वीडियोस हैं अभी जीरो टू जीरो के प्लेलिस्ट में हिंदी सेक्शन में, और करीब 55-60 वीडियोस है इंग्लिश सेक्शन में। तो अभी तक आपने उनमें से कितने वीडियोस को देख लिया है? सर मैंने सारी वीडियोस देखी आपकी, दैट्स ग्रेट। दो बार, हर वीडियो को दो बार देखा मैंने, दैट्स ग्रेट। यस सर, और मेरे को एक एज मिला है टेक्निकल एनालिसिस में, जब से मैंने वीडियोस देखी हैं मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं मार्केट साइकोलॉजी समझ सकता हूँ थ्रू कैंडलस्टिक्स, प्राइस एक्शन एनालिसिस, ट्रेंड लाइंस और कॉन्फ्लुएंस भी ढूंढ सकता हूँ मैं, और जो भी वेरियस अदर टूल्स हैं टेक्निकल एनालिसिस में यूज होते हैं। That's truly amazing. That's truly amazing, especially when young people like you, start picking up the subject so fast. And ये बिलीव होना सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले सब्जेक्ट को सीखना पड़ेगा मार्केट में, तो मार्केट जिंदगी भर चलेगा। तो जब हम सीख लेते हैं और टेक्निकल एनालिसिस को समझने लगते हैं, चार्ट की रीडिंग करने लगते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने लगते हैं, रिस्क को मैनेज करना सीख जाते हैं, तो पैसे बनाना, जैसी आपकी मॉम जो है कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सीखने की शुरुआत कब की थी, 6-7 महीने पहले? ये सब मिड 20 में ही शुरू किया था उन्होंने, मिड 20 में चालू किया था जब बेयर मार्केट था। यस सर। और उन्होंने पिकअप करके जो कंसिस्टेंटली सक्सेस हासिल की है बीइंग एन होम मेकर टू द स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल, दैट इज अमेजिंग। एंड आपको तो घर में ही अब एनवायरमेंट मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, इंस्पिरेशन मिल रहा है, तो आपकी यात्रा तो बहुत लंबी होने वाली है, आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो आप एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि आप जब जीरो टू जीरो को देखते हैं, यस सर, उसके बाद चार्ट के ऊपर में आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो मिनिमम कितने कॉन्फ्लुएंस को चेक करने की कोशिश करते हैं? सर मिनिमम 4। मिनिमम 4, ओके। आई थिंक मैंने भी एक वीडियो में बोला था कि मिनिमम मैं 4 कॉन्फ्लुएंस चेक करता हूँ। यस सर, आपका ही। यस, वैसे हर आदमी इंडिविजुअली डिसाइड कर सकता है कि उसे 5 करना है, 6 करना है, 7 करना है, बट इट इज सजेस्टेड कि लेस देन 4 कॉन्फ्लुएंस पे ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यस सर। नाउ अंशुमन, इंडिया में दो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, एक तो यंगस्टर्स। यस सर। इंडिया यंगेस्ट कंट्री है दुनिया का एवरेज एज स्पैन और डेमोग्राफिक के हिसाब से, 35 इयर्स के नीचे की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इंडिया में, ग्रोइंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन वेरी वेरी हाई। यस सर। तो धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में अवेयरनेस भी बढ़ रहा है, मीडिया के कारण बढ़ रहा है, इंटरनेट के कारण बढ़ रहा है, यूट्यूब के कारण बढ़ रहा है, ब्लॉग्स के कारण बढ़ रहा है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पहले यंगस्टर्स को, एंड सेकेंडली फीमेल्स लाइक योर मॉम जो होम मेकर्स हैं, टैलेंट है बट शायद इस डायरेक्शन में वो उन्होंने कदम नहीं रखा है सीखने के लिए, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पहले यंगस्टर्स को? सर यंगस्टर्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि दे शुड टेक स्टॉक मार्केट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग अ स्किल that can further make them capable of generating a good income side by side with the education. And second for females, same है उनके लिए भी कि उन्हें एक opportunity की तरह लेना चाहिए कि वो एक skill बना सकते हैं, skill develop कर सकते हैं, कि वो एक income generate कर सकें अपने comfort zone से, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो housemakers का भी है, उनका बहुत responsibilities होती हैं, तो वो इनकम जनरेट करेगी और उन्हें एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। दैट्स ग्रेट। इंटरनेट के वर्ल्ड में यस सर आज रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है, चाहे वो ब्लॉग्स के रूप में हो और या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट है। यस सर। और जैसा आपने तो खैर चैनल को ट्रैक करते हैं तो आपको पता है कि हम लोग का चैनल कंप्लीटली एन एजुकेशनल चैनल है कि कोई भी स्टॉक मार्केट का बिगनर्स या टेक्निकल एनालिसिस का बिगनर्स स्टेप बाय स्टेप अपने घर बैठ के सीख सकता है। यस सर।
तो आपने भी बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे, दुनिया भर में हर कंट्री को मिला के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं। तो आज इंटरनेट के और दुनिया जो डिजिटली कनेक्ट हो रही है, उससे सबसे बड़ा एडवांटेज यह हुआ है कि लर्निंग की प्रोसेस का जो टाइम स्पैन है वो कम हो गया है, एंड नंबर टू, लर्निंग का कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया है। यस सर। तो आपने बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े होंगे, बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे, तो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या आपको ये चैनल जो है या जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट है वो कैसे आपको एक डिफरेंट या यूनिक नजर आती है, क्योंकि तो बहुत सारे लोग इसको देखकर कंसिस्टेंटली पैसा बना रहे हैं इंडिया के कई कॉर्नर में, और आपने भी शायद जीरो से हीरो से ही ज्यादा सीखा है। सर हमने बहुत वीडियोस देखी स्टॉक मार्केट की यूट्यूब पे, बट जिस सिंपल तरीके से आपने जीरो टू हीरो डिजाइन किया है, अगर वो कोई उस सीरीज को देखे और समझ ले अच्छे से, तो ना केवल वो एनालिसिस कर सकता है बल्कि वो एक हैंडसम इनकम भी जनरेट कर सकता है वो। और दूसरी बात, आपने बहुत डेप्थ में चीजें समझाई हैं, इतना तो कोई पेड कोर्सेज में भी नहीं समझाता है, वो ब्रीफली समझाते हैं। आपने कभी कोई ट्रेडिंग डिसीजन अभी तक लिया है? मतलब मैंने मम्मा को असिस्ट किया है। ओके, नाउ यू हैव अ टीम ऑफ टू पीपल इन योर होम, यू एंड योर मॉम। मॉम इज ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, लर्न्ड मेकिंग मनी इन स्टॉक मार्केट कंसिस्टेंटली, तो आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मेरा ये मानना है, क्योंकि आपने वो सिंसियरिटी मैंने देखी है कि आप अगर दो बार जीरो टू हीरो के सारे वीडियोस को देख चुके हैं, क्योंकि मैंने कई बार चैनल के ऊपर में भी बोला है कि ऊपर वाले ने हमारा जो ब्रेन बनाया है ना, वो फर्स्ट टाइम कोई भी चीज को वॉच करते हैं या रीड करते हैं तो 25-30% से ज्यादा कैप्चर नहीं करता, हम कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। तो सेकेंड टाइम जब वॉच करते हैं तो क्लैरिटी बेहतर आती है, और थर्ड टाइम में नॉलेज का कंसोलिडेशन। यस सर। तो ये प्रोसेस जो आप फॉलो कर रहे हैं, आई एम श्योर कि आपको काफी मदद करेगी अपने लाइफ में। लास्ट में आप फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे इस देश के यंग लोगों को, एंड अ लार्ज चंक ऑफ 50% पॉपुलेशन इंडिया की फीमेल्स की है। होम मेकिंग इज अ वेरी बिग टास्क, वेरी बिग चैलेंज, बट एट द सेम टाइम उन्हें इतना इनफ टाइम मिलता है कि वो सीख तो सकते हैं। ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो बात की बात है, लेकिन सीखने में उन्हें ट्राई लेना चाहिए। आपको क्या लगता है? दे शुड गिव अ ट्राई टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस। जब वो खुद लर्न करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे मार्केट को, तभी फायदा है इस चीज का। बिना लर्निंग के तो सर गैम्बलिंग है सर ये स्टॉक मार्केट में। That's perfectly said. At this young age, if you have understood the difference between investing and gambling, that is a big positive. I would say it's a big positive for you. And I wanted to learn ki so many questions puchne wala ye young ladka kaise is subject ko seekh raha hai, because aapke age mein bahut kam logon mein is level ki maturity aa pati hai. जो आपने आई है, प्रोबेबली सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन गोज टू योर मॉम, हु हैज लर्नड वेरी रिसेंटली एंड इज मेकिंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट। तो अंशुमन, हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड करें, इस चर्चा को समाप्त करें, मैं जानना चाहूंगा कि आपने जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट से जो सीखा है उसको प्रैक्टिस करने के लिए डेली कितने चार्ट्स पर प्रैक्टिस करते हैं? सर डेली सर 800 चार्ट्स देखता हूं मैं। ओ माय गॉड, 800? यस सर। That's great. मैं तो बार बार लोगों को बोलता हूँ 100 चार्ट देखने के लिए, आप 800 चार्ट देख रहे हैं, तो 800 चार्ट कहाँ कहाँ पर देखते हैं मार्केट में? सर 500 चार्ट्स, स्टॉक्स जो होते हैं वो निफ्टी 500 के होते हैं, और 200 जो स्टॉक्स हैं वो है मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100। That's amazing. अंशुमन, आपको कोई नहीं रोक सकता है फाइनेस्ट टेक्निकल एनालिस्ट बनने से, कोई नहीं रोक सकता एक सक्सेसफुल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर बनने से। विशिंग यू ऑल द बेस्ट,
लुकिंग फॉरवर्ड टू कंटिन्यू मीटिंग विथ यू इन फ्यूचर ऑल्सो।